साल के पहले दिन नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे नए सेना प्रमुख नरवाने, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख नरवाने को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, जवानों ने दी सलाम। नए सेना अध्यक्ष नरवाने का देश को संदेश, सुरक्षा पर नहीं आने देंगे आज। सेना प्रमुख नरवाने के साथ सीडीएस विपिन रावत भी पहुंचे वॉर मेमोरियल, शहीदों को किया नमन। रिटायरमेंट के बाद अब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत, आज संभाला कामकाज। तीनों सेनाओं की तरफ से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, साउथ ब्लॉक में है सीडीएस का दफ्तर। विपक्ष के हमले पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, सेना राजनीति से दूर रहती है। पर संभालती आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीमा पार सक्रिय आतंकी लॉन्च पर। जनरल नरवाने ने कहा, पड़ोसी देश लड़ रहा है चंद लड़ाई, लेकिन कोई हमेशा किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चालान का पैसा किया जमा, लोगों से लिया चंदा। अलीगढ़ कैंपस में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने 12 लोगों की पहचान की, विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखी चिट्ठी। यूपी में आईपीएस अफसरों को नए साल पर बड़ा तोहफा, 9 अपर पुलिस महानिदेशकों के पुलिस महानिदेशक के पद पर तरक्की। 10 पुलिस उप महानिरीक्षक को बनाया गया पुलिस महानिरीक्षक, 13 पुलिस अधीक्षक बने पुलिस उप महानिरीक्षक। साल के पहले दिन मायावती का, नए साल का संकल्प साल 2019 की तरह ना हो 2020, अपने नफे के चलते ना भूले देश की धर्मनिरपेक्षता। नए साल पर मोदी सरकार ने रेल यात्रियों को दिया महंगाई का तोहफा, यात्री किराए में 1 से 4 पैसे की बढ़ोतरी। इसी किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी, नॉन एसी में 2 रुपए प्रति किलोमीटर का इजाफा। नॉन सब अर्बन किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी, रिजर्वेशन चार्ज में नहीं होगी कोई तब्दीली। आज से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया, जो टिकट बुक कराए जा चुके हैं उसके लिए नहीं वसूला जाएगा अतिरिक्त भाड़ा। नए साल पर कश्मीर को तोहफा, बीती रात शुरू हुई एसएमएस की सुविधा, अस्पताल और स्कूलों में होगी इंटरनेट सेवा की शुरुआत। 2020 की नई सुबह ने दी दस्तक, आज से नए दशक की भी शुरुआत। वाराणसी में नए साल की पहली सुबह पर गंगा तट पर जुटे लोग मंत्रोच्चार के साथ आरती। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी नए साल की रौनक, पुजारियों ने की विशेष आरती। नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं ने किया लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन, सुख शांति के लिए प्रार्थना। उड़ीसा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दिया नए साल का संदेश, हरी भरी रहे दुनिया। नए साल पर कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। बेंगलुरु के लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, नए साल की नई सुबह दर्शनों को पहुंचे लोग। नए साल पर पवित्र संगम में लगी आस्था की डुबकी, हजारों लोगों ने संगम में किया स्नान। नए साल पर रामेश्वरम के सोसैया पार चर्च में पहुंचे लोग, जीसस के सामने जोड़े हाथ। मुंबई में साल 2020 के पहले सूर्योदय का अद्भुत नजारा, गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखी नए साल की खूबसूरत सुबह। कोलकाता से नए साल की नई सुबह की खूबसूरत तस्वीर आई सामने, हावड़ा ब्रिज पर सूर्योदय का सुंदर नजारा। गुवाहाटी से भी नए साल के पहले सूर्योदय की आई तस्वीर, नई सुबह में चहचहाते दिखे पक्षी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी नए साल की शुभकामनाएं, एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नए साल पर दी बधाई, ट्विटर पर लिखा, आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी धमकी, कहा अमेरिकी दूतावास पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, गाजियाबाद और नोएडा में तापमान 4 डिग्री। कानपुर में सर्दी ने ढाया सितम, साल के आखिरी दिन पारा पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड, अब तक 15 लोगों की मौत। मौसम विभाग का अनुमान, आज दिन भर छाए रहेंगे बादल, हो सकती है बारिश। उड़ीसा में भी 5 डिग्री के नीचे लुढ़का पारा, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान।